दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे चित्तौड़गढ़, जो जयपुर से 300 किलोमीटर पड़ता है। साथ के साथ मैंने देखा कि एक टेस्ट भी किया जाए कि गाड़ी जो शो करती है रेंज और जो गाड़ी किलोमीटर वास्तव में चलेगी, तो उसमें जो बैलेंस रहता है कि जितनी गाड़ी चलती है उतना ही अंतर आता है रेंज में भी, उतना ही कम होती है या नहीं। देखो अभी 436 किलोमीटर ये रेंज शो कर रही है और जो किलोमीटर हैं उसके बाद 53,862 किलोमीटर हैं। जो गाड़ी है ये पूरे सामान से भरी हुई है और जो पर्सन हैं वो भी 2 जन हैं। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी, देखो डिग्गी की तरफ से देखो तो पूरी भरी हुई है, आटे का कट्टा वगैरह, बैग वगैरह, स्टील का जो बड़ा सा बर्तन है इसमें भी सामान भरा हुआ है, पीछे की सीट पर भी सामान था। और जयपुर से निकलते वक्त जो साफ आसमान था, मौसम सुहावना था, तो इन्जॉय करने वाले थे हम इस ट्रिप को। जो ये राइड है ये लगभग पूरी हाईवे पे होने वाली है, थोड़ी बहुत सिटी में चलेगी। देखो जब गाड़ी लगभग 100 किलोमीटर के चल रही थी तो इस टाइम भी ये जो रेंज 431 कर रहा था, तो थोड़ा बहुत तो एरर था इसका, मतलब रेंज में तो 436 से चार। और जब गाड़ी 200 किलोमीटर से ज़्यादा चल ली, जब इसकी रेंज 339 किलोमीटर आ रही थी, और फाइनली हम जब डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, जब देखेंगे कि फाइनली क्या आता है। जब हम डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, जब किलोमीटर में देखें तो 327 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी और रेंज देखें तो जो रेंज थी वो 165 शो करा, मतलब 271 किलोमीटर रेंज के हिसाब से। तो अब पता ही नहीं क्या है, अंतर तो है, अब एरर है क्या है, बाकी इतना कह सकूँ गाड़ी ने एवरेज अच्छा दिया। इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब।